इस वीडियो में देखेंगे एक स्विच और यहाँ पर एक स्विच और है, बीच में इंडिकेटर, मतलब दो स्विच, एक इंडिकेटर की वायरिंग के साथ कूलर की पानी मोटर और फैन मोटर की वायरिंग कैसे होती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पूरी डिटेल में। काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है, सबसे पहले हम छोटी सी एक वायर की टुकड़ा ले लेते हैं, जो कि ये वायर की टुकड़ा है। तो इस तरीके से इस वायर की टुकड़ा को थोड़ा सा छीलते हैं। छीलने के बाद हम इसकी वायर को थोड़ा हाथ से लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद ये जो स्क्रू दिख रही है कि वायर को थोड़ा ढीला करते हैं, ये देखिए। अब इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद इसको नापते हैं इस इंडिकेटर की वायर तक, फिर यहाँ से कट लगाते हैं। अब एक वायर और यहाँ से लेकर इस इंडिकेटर तक नापते हैं, फिर उसको भी कट लगाते हैं। ये देखिए, अब हम इन दोनों वायर को छीलेंगे। इस तरह से छील लेते हैं, ये दोनों वायर आपस में ज्वाइंट करेंगे। और ये वायर को भी हम छील लेंगे। तो चलिए, ये जो वायर दिख रही है इसको मैं यहां पर जो इंडिकेटर वाली है जगह इसमें लगाता हूं। तो इसका स्क्रू फिलहाल ढीला करता हूँ मैं हाथ से ही। इसके बाद इसको इस तरीके से इसके अंदर जो जगह होती है वहाँ पर इसको टाइट करता हूँ। तो ये टाइट हो गई। अब ये जो वायर है वो आगे बढ़ जाती है इसमें, इस स्विच में आने के लिए। साथ ही साथ हम यहां पर इसकी प्लग वायरिंग की भी वायरिंग कर लेते हैं। तो ये जो वायर आ रही है इसी वायर में हम इसकी प्लस वाली वायर लगाते हैं। ये देखिए, हम इसकी प्लस वाला वायर इसी वायर में लगा दिया है। अब उसको हम यहां पे जो स्विच की स्क्रू को फिर ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद ये जो तार होती है इसकी वायर, तो इसको भी इसमें फंसाने के बाद इसको टाइट करेंगे। तो अब ये तो हो गई इसकी प्लस वायर की वायरिंग। ये देख सकते हैं, ये जो हमारी प्लग वायर है और यहाँ पर हमने इसकी वायरिंग की है। प्लग वायर की फेस पॉइंट इसमें आया, एक स्विच में इंडिकेटर में गई और दूसरी स्विच पे गई है। अब चलिए देखते हैं। तो ये कूलर की वायर की दो वायर है, अब इसकी वायरिंग करते हैं यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा तांबा ठीक से नहीं है तो कट करता हूँ और फिर से छीलता हूँ। ये देखिए, छिल गई है। इसके बाद सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसकी एक स्विच पे लगा देता हूँ। टाइट करूँगा। तो ये टाइट हो गया। अब ये कूलर की मोटर की एक वायर जो है बच गई है, इसको फिलहाल मैं यहीं पर कुछ देर के लिए छोड़ता हूँ। अब चलते हैं, ये जो पानी मोटर है इसकी वायरिंग करते हैं।
तो पानी मोटर की जो दो वायर आती है वो ये दोनों वायर है। ठीक, इसमें से रेड वाला उठाता हूँ, इसकी भी तार थोड़ी सी ठीक नहीं है, छील लेता हूँ इसको भी। ये मैंने छील लिया, छीलने के बाद अब यहां पर देखते हैं कि ये जो स्विच बच गई है, इस स्विच में हमें इसकी वायर को लगानी है। तो इसको ढीला करता हूं थोड़ा सा। ये देख रहे हैं, उसके बाद इस वायर को लगा देता हूं। तो देख लीजिए, मैंने ये कूलर की पानी मोटर की वायर है और ये कूलर की जो फैन मोटर है उसकी वायर है। अब देखते हैं सिंपल, ये जो वायर बच गई एक वायर, इस वायर के साथ ये जो कूलर की पानी मोटर वाली वायर एक बची है, इसको मिला देता हूँ। अब इसका जो प्लग वायर है, ये वाली वायर, इसकी भी वायर को मैं यहाँ से इसी में ही ज्वाइंट कर देता हूँ। तो ये देखिए, इसकी तीनों वायर जो है यहाँ पर ज्वाइंट हो चुका है। अब इसको कहाँ पर लगानी है मैं आपको बताता हूँ। ये जो वायर है, ये सारी की सारी जो वायर है न्यूट्रल वायर है, मतलब माइनस वायर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इंडिकेटर वाली जो स्क्रू है उसको ढीला कर लेता हूँ। ये देखिए, ढीला कर दिया। ढीला करने के बाद मैं ये जो जितनी वायर यहाँ से बच गई है उस सभी वायर को यहाँ पर फिट करता हूँ। फिट करने के बाद इसको टाइट कर लेता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो वायरिंग है वो हो चुकी है। जैसे ही हम इस प्लग को बिजली पे पावर देंगे तो कूलर की पानी मोटर और कूलर मोटर दोनों जो है इसकी एक एक स्विच से चलने लगेगी, साथ में इंडिकेटर भी आएगा। मैं आपको चालू करके भी दिखाऊंगा। पहले वायरिंग एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमारी प्लस पॉइंट है जो कि इस स्विच से होकर इंडिकेटर में होकर ये स्विच की लास्ट में गया है। दूसरा वायर देखते हैं कि इसकी न्यूट्रल वायर है, जो कि ये यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूट्रल की वायर। पानी मोटर के भी इसी न्यूट्रल पे कनेक्ट है, फैन मोटर के भी इसी न्यूट्रल पे कनेक्ट है, और ये जो मेन न्यूट्रल आया है वो सब आपस में एक ही जगह में ही कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जो स्विच के ऊपर वाली वायर है, ये पॉइंट वायर है। जैसे ऑन करेंगे तो पानी मोटर चालू हो जाएगी। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखते हैं, ये जो वायर है ये फैन मोटर की वायर है। जैसे ही मैं ये जो स्विच ऑन करूँगा तो पंखा चलने लगेगी। चलिए चालू करके देखते हैं। तो फिलहाल इस स्विच को मैं इस तरह से रख लेता हूँ। रखने के बाद कैमरा मैं थोड़ा सा ऐसा दिखाता हूँ कि सभी चीज़ आपको दिखने लगे। ये पंखा है, ये पानी मोटर है, ये देख सकते हैं, और ये अपने पास स्विच है, और ये है हमारे पास बिजली की बोर्ड। अब इस बोर्ड से मैं चालू करता हूँ, देखते हैं कि हमारी पंखा और पानी मोटर चलती है कि नहीं। तो दोस्तों, ये जो प्लग है अभी मैंने आपको दिखाया था, उस प्लग को मैं इसमें लगाता हूँ। लगाने के बाद ये जो स्विच है फिलहाल ऑन है, ऑफ कर लेता हूँ। स्विच बोर्ड ऑन करता हूँ, ऑन करते ही देख सकते हैं इंडिकेटर आ गई है। अब मैं यहाँ पर जैसे एक स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पंखा जो है फराटेदार घूमने लगी है। ऑफ करता हूँ। अब दूसरी तरफ देखता हूँ कि पानी मोटर चालू होती कि नहीं। तो ये देखिए जो पानी मोटर है वो चालू हो चुकी है। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया कि कूलर की जो दो स्विच और एक इंडिकेटर की वायरिंग किस तरह से की जाती है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने कूलर की वायरिंग कर सके और अपने पैसे और टाइम दोनों बचा सके। मैं फिर मिलता हूँ नई वीडियो लेकर नई जानकारी में।